नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे डिजिटल सर्विस के बारे में बताने वाला हूँ जिसका यूज आप घर बैठे कर सकते हो। आपको सिर्फ ऑर्डर करना है, आपके घर पे आ जाएगा वो सर्विस देने के लिए। यदि आप भी जानना चाहते हो कि वो कौन सा सर्विस है और साथ साथ कैसे आप उसका ऑर्डर लगा सकते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, इसमें आपको पूरा कंप्लीट जानकारी मिल जाएगा। दोस्तों पहले उस सर्विस के बारे में बता देता हूँ कि जिसको आप घर बैठे यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले नंबर पे यदि आपको किसी भी तरीके का पोस्ट वगैरह भेजना है तो आप उसके लिए भी ऑर्डर कर सकते हो। किसी भी तरीके का फाइनेंशियल सर्विस यूज करना है जैसे कि आपको पैसा जमा करना है, निकासी करना है। उसके अलावा यदि आपके घर में कोई भी बुजुर्ग है तो जिनको भी पेंशन मिलता है उनको साल में एक बार जो है जीवन प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता है, इसके लिए भी आपको कहीं दूर जाना पड़ता है, लेकिन ये काम आप अपने घर बैठे करवा सकते हो। उसके साथ ही साथ आधार कार्ड में आपको कुछ करेक्शन वगैरह करवाना है तो ये सारा काम आप अपने मोबाइल फोन से ऑर्डर दे सकते हो। और जैसे आप ऑर्डर आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपके घर पे जो भी एड्रेस आप दिए रहोगे आपके घर पे आएगा आदमी और जो भी काम होगा वो सारा काम आपका कर देगा, उसका जो भी चार्ज होगा वो आपसे लेगा। तो इस तरीके का यदि काम आप करना चाहते हो तो ये सब काम आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हो। दोस्तों ये जो सर्विस है ये पोस्ट ऑफिस का सर्विस है, इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, पिन कोड, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पे सर्विस के ऊपर में क्लिक करके जिस भी सर्विस के लिए आप ऑर्डर देना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों जैसे हम कि यहाँ पे आधार कार्ड का सर्विस सेलेक्ट किए तो इसमें दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पहला ऑप्शन है कि यदि आपके घर में 0 से लेकर के 5 साल तक के बच्चे हैं तो उसका आप आधार कार्ड बना सकते हो, तो उसके लिए ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों यदि आपके आधार कार्ड में मोबाइल या ईमेल आईडी लिंक करवाने तो उसके लिए आपको नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट ओटीपी के ऊपर में क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों जो भी ओटीपी आपके मोबाइल में आएगा ओटीपी यहाँ पे टाइप करने के बाद फिर यहाँ पे कन्फर्म सर्विस रिक्वेस्ट के ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। तो नीचे में आपको सर्विस रिक्वेस्ट का नंबर भी दिख जाएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो। दोस्तों इसी लिंक के थ्रू से आप इसको ट्रैक भी कर सकते हो कि इसका स्टेटस क्या है, तो क्लिक टू ट्रैक योर रिक्वेस्ट इसके ऊपर में क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे आपको जो या तो रिक्वेस्ट नंबर डालना है या तो मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद फेज के ऊपर में क्लिक कर दीजिए, मोबाइल नंबर या फिर रिक्वेस्ट नंबर टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद इसका स्टेटस जो आपको देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे अभी पेंडिंग दिखा रहा है। तरीके से आप इंडिया पोस्ट ऑफिस का जो सर्विस है आप इसका घर बैठे यूज कर सकते हो। इस वीडियो में जो भी सर्विस आपको बताया इसका आप भरपूर फायदा उठा सकते हो, क्योंकि घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं या फिर बुजुर्ग होते हैं तो उनको घर से बाहर कहीं पे भी ले जाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। दोस्तों आप इन सब सर्विस का यूज घर बैठे कर सकते हो, आपको डोर टू डोर जो है ये सर्विस का फायदा मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके लिए और भी नया नया इन्फॉर्मेशन ला सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।